नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वामी विवेकानंद अगर आज जिंदा होते तो उनके ऊपर किस प्रकार की टिप्पणियां और छींटाकाशी की जाती? क्या स्वरा भास्कर स्वामी विवेकानंद को भी एक वायलेंट यानी के हिंसक इंसान कहती? स्वामी जी की जो राष्ट्रवादी सोच थी, उनके इस्लाम के ऊपर जो विचार थे, क्या उनको लेकर सोनम कपूर जैसे 12वीं पास इंटेलेक्चुअल्स स्वामी जी के ऊपर अतिवाद और भगवा आतंकवाद के ठप्पे लगाते? स्वामी विवेकानंद जी ने आखिरकार इस्लाम को लेकर क्या कहा था? इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, बाबू मोशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। ये डायलॉग स्वामी विवेकानंद से ज्यादा किसी और के ऊपर फिट नहीं बैठ सकता। उन्होंने अपनी केवल 39 वर्ष यानी के 39 इयर्स की छोटी जिंदगी में इस देश, दुनिया और हिंदू धर्म के लिए जितना कुछ किया, जितनी सेवा की, उसकी दूसरी मिसाल हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलती। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता की गौड़मोहन मुखर्जी स्ट्रीट के एक घर में विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ एक बेटा जन्म लेता है, जिसका नाम रखा जाता है नरेंद्र नाथ और प्यार से उसे नरेंद्र बुलाया जाता है। नरेंद्र के पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे और बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव और मॉडर्न किस्म के इंसान थे, और जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो पश्चिमी शिक्षा है, उस पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। नरेंद्र की माताजी एक हाउसवाइफ थी और बहुत ज्यादा धार्मिक महिला थी और धार्मिक शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देती थी। इसीलिए बहुत कम आयु से ही नरेंद्र को इन दो प्रकार की शिक्षाओं का एक अमेलगमेशन, एक मिश्रण प्राप्त होना शुरू हो गया था। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बहुत छोटी आयु से ही नरेंद्र ने पढ़ाई में अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जिस आयु में बच्चे चंदा मामा की कहानियां पढ़ते और सुनते हैं, उस आयु में नरेंद्र जीवन, दर्शन, धर्म और विज्ञान के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लग गए थे। उनका इतना ज्यादा पढ़ाई करना धीरे धीरे माता पिता के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा था, क्योंकि वो उन बच्चों में से नहीं थे जिनको जो भी पढ़ाया जाए और वो पढ़े उसको चुपचाप मान ले। नरेंद्र हर चीज के ऊपर प्रश्न पूछते थे, और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जा रही थी, उनके प्रश्न भी उतने ही गहरे और कठिन जटिल होते जा रहे थे, जिनके उत्तर माँ बाप के पास नहीं होते थे। 16 वर्ष की आयु में जब नरेंद्र ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो उस एंट्रेंस एग्जाम के तब तक के इतिहास में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वो पहले छात्र बन गए। कॉलेज में भी वही हुआ जो घर पे होता था। प्रोफेसर्स के पास नरेंद्र के सवालों के जवाब नहीं होते थे। नरेंद्र के एक प्रोफेसर ने तो उनको मेमोरियल प्रोडिजी तक कह डाला था, क्योंकि नरेंद्र 400 पन्नों की एक किताब को 2-3 घंटे में पढ़ डालते थे, और उस किताब के किस पेज पर क्या लिखा है उनको वर्ड बाय वर्ड मुंह जबानी याद होता था। जीवन और दर्शन के प्रति नरेंद्र की यह जिज्ञासा दुनिया का नश्वर ज्ञान अर्जित कर लेने और किताबें चाट लेने मात्र से शांत नहीं होने वाली थी। इसलिए केवल 18 वर्ष की आयु में नरेंद्र ने अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। 1886 में जब उनके गुरु अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उन्होंने नरेंद्र को एक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम पूरी तरह तैयार हो, इसलिए जाओ और पूरी दुनिया को एक बार फिर से हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की सुंदरता का बोध कराओ। अपने गुरु के आदेश और अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए नरेंद्र नाथ दत्ता, जो अब स्वामी विवेकानंद बन चुके थे, पहले भारत भ्रमण पर निकले और फिर वर्ल्ड टूर पर। 1893 में पहली बार स्वामी विवेकानंद ने वेस्ट के साथ साथ जापान और चाइना के भी कई शहरों के दौरे किए। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुई पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में उन्होंने भारत और हिंदू धर्म का नेतृत्व किया। इस समारोह में जब स्वामी जी की बोलने की बारी आई, तो वो खड़े हुए, पहले मां सरस्वती को प्रणाम किया, और फिर अभी उन्होंने बोलना शुरू किया ही था, केवल 5 ही शब्द बोले थे कि पूरे 2 मिनट तक उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you
in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. इसके बाद तो अमेरिका और यूके में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जहां स्वामी विवेकानंद को लेक्चर्स देने के लिए ना बुलाया जाता हो। अमेरिका समेत पूरे वेस्ट को स्वामी विवेकानंद अपना फैन बना चुके थे। असल में हिंदू धर्म और भारतवर्ष की एक नई इमेज को वर्ल्ड मैप पर प्रोजेक्ट करने का सारा क्रेडिट स्वामी विवेकानंद को ही जाता है। इससे पहले वेस्ट में भारत की इमेज कुछ ऐसी थी कि इट्स अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, यहां तो सिर्फ बीन बजाकर सांप पकड़ने वाले लोग रहते हैं। और ये इमेज बनाई हुई थी अंग्रेजों ने, क्योंकि उनको अपना जो कब्जा था भारत के ऊपर उसको जस्टिफाई करना था। उनके अनुसार तो अंग्रेज भारत के ऊपर एक एहसान कर रहे थे, वो जाहिल गवार लोगों को सिविलाइजेशन सिखा रहे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इस इमेज को तोड़ा। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदुइज्म धर्म से कहीं ज्यादा है, एक वे ऑफ लाइफ है, अपने आप में एक सिविलाइजेशन है और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। जब बाकी की दुनिया एक दूसरे का खून बहाकर झगड़े सुलझाया करती थी, उस वक्त हमारे यहां ऐसा शास्त्रार्थ से किया जाता था। जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को खत्म करने पर तुले हुए थे, उस वक्त हिंदू धर्म दूसरों को अपने यहां शरण दे रहा था, आश्रय दे रहा था। स्वामी विवेकानंद दूसरे धर्मों के ऊपर भी अपने विचार व्यक्त करने से नहीं डरते थे, क्योंकि डर मुझ जैसे तुच्छ प्राणियों को लगता है, मोक्ष प्राप्त कर चुके महान ज्ञानियों को नहीं। स्वामी विवेकानंद दूसरे धर्मों के ऊपर जो बोलते थे वो उनकी ओपिनियन नहीं बल्कि एक हाईली इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होती थी, ज्यादातर फैक्ट्स ही होते थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुइज्म के साथ साथ इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म का भी गहन अध्ययन किया हुआ था। उस वक्त में कुरान की कोई भी ऐसी इंग्लिश, हिंदी या उर्दू ट्रांसलेशन नहीं थी जो स्वामी विवेकानंद को मुंह जबानी याद ना हो। एक बार जब उनसे इस्लाम के ऊपर अपने विचार प्रकट करने को कहा गया तो उन्होंने जो कहा था, मैं उसका एक अंश आपके लिए एज इट इज कोट कर रहा हूं। उनकी पूरी टिप्पणी विकिपीडिया के ऊपर दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। उनका कहना था, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो अरब के पैगंबर द्वारा स्थापित धर्म की तुलना में द्वैतवादी हो, ड्यूलिस्ट हो, और ऐसा भी कोई धर्म नहीं है जिसमें इतना खून बहाया गया हो जो दूसरे लोगों के लिए इतना क्रूर हो। कुरान में सिद्धांत है कि जो आदमी इन शिक्षाओं को नहीं मानता उसे मार दिया जाना चाहिए, उसे मारना उसके ऊपर दया करना है और जन्नत जाने का सुरक्षित सुनिश्चित रास्ता है, जहां सुंदर हूरे और सब प्रकार के आनंद हैं। इस प्रकार के विश्वासों से जो रक्तपात होता है, जरा उसके बारे में सोचो। ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का इस्लाम के बारे में, और ऐसा उन्होंने कुरान का अच्छे से गहन अध्ययन करने के बाद ही कहा था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि स्वामी विवेकानंद अगर आज जीवित होते और उन्होंने ऐसी बात आज कही होती तो हमारे आज के सो कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स उनके ऊपर कैसी कैसी छींटाकाशी करते, कैसे कैसे रिएक्शंस देते, क्योंकि रिएक्शन तो ये लोग जरूर देते, ऐसा करना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हाँ, वो बात अलग है, जब कोई इनके ऊपर रिएक्शन देता है तो उसको ट्रोल बोला जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सदगुरु को वायलेंट बताने वाली स्वरा भास्कर स्वामी विवेकानंद के लिए इससे भी ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग करती और टुकड़े टुकड़े गैंग स्वामी विवेकानंद को कम्युनल एंटी सेक्युलर डिक्लेयर कर देता। सोनम कपूर और प्रकाश राज स्वामी विवेकानंद को भगवा आतंकवादी घोषित कर देते। 12वीं पास इंटेलेक्चुअल सोनम कपूर, जिनके जीवन की एकमात्र उपलब्धि अचीवमेंट ये है कि उनका सरनेम कपूर है, वो तो स्वामी विवेकानंद को अतिवादी बता देती। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रकाश राज तो अपना शब्दों का चुनाव करने में नीचता की सारी हदें ही पार कर देते। मेरा इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को खुला चैलेंज है कि अगर तुम में दम है, रीढ़ की हड्डी है, तो कहकर दिखाओ कि स्वामी विवेकानंद जी ने इस्लाम के ऊपर जो कहा था वो गलत है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।